welcome back to Sessions with Travel Academy. My name is Gaurav Gera. जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट ट्रैवल इंडस्ट्री, मतलब एक ट्रैवल कोर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, हम वो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं. पिछली वीडियोस के अंदर हमने सीखा अबाउट AMDS एंड अबाउट दी ट्रैवल ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस एरियाज जो हमको IATA ने दिए. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट सम ट्रैवल टर्मिनोलॉजीज. मतलब इस वीडियो में और आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ट्रैवल टर्म्स. अब ट्रैवल टर्म्स जो होती है वो बहुत सारी होती है, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ तो वो 200-300-400 से भी ऊपर होंगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, उसमें से कुछ ऐसी हैं जो यू नो बहुत कम यूज़ होती हैं, लेकिन जब आपके पास वो सिचुएशन आएगी तो एटलीस्ट आपको उसका मतलब पता होना चाहिए. तो हम आने वाली वीडियोस के अंदर भी उन स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो के एंड में इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ऑल्सो हमने एक टेलीग्राम का पेज बनाया है, जहां पर जाकर के आप मतलब बेसिकली टेलीग्राम का चैनल बनाया है, आप वहां पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं. और जितनी भी हमारी वीडियोस की अपडेट हैं, प्लस वहां पर हमने ट्रैवल की जो बुक्स हैं वो भी डाली हुई है IATA की, तो वहां से आप उसको सर्च कर सकते हो. प्लस जो भी टर्म्स हम यहां पर वीडियो में बात करेंगे उन सब की इंफॉर्मेशन और सबकी एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन के साथ वहां पर डली हुई होंगी. सो यू कैन डू द कंप्लीट कोर्स, यहां से आप उस चीज़ को सीख सकते हैं और वहां से आप उसको पढ़ भी सकते हैं अगर आप टेलीग्राम का पेज जो है उसको ज्वाइन करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रैवल टर्म दैट वी हैव फॉर टुडे. हमारे पास पहली टर्म है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. देखो, आप सबको पता है कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, मतलब GDS. अगर आप ट्रैवल के अंदर काम करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता है. अगर आप नए हैं ट्रैवल के अंदर, तो GDS बेसिकली जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन ये बेसिकली हम सबको पता है, बट इसको हम रूट से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब हुआ कहाँ से था, शुरू कहाँ से हुआ था. तो सबसे पहले हुआ करता था एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम. एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम जो होता था वो बेसिकली उसके अंदर क्या होता था कि एक ही एयरलाइन होती थी और उस एयरलाइन के पास अपना एक सॉफ्टवेयर होता था. मतलब जैसे मान लो एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया का अपना एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था, एंड बेसिकली दैट इज ऑल, कि वो अपने सॉफ्टवेयर पे एयर इंडिया काम कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपनी ही सीट्स देख सकता था और किसी और की सीट नहीं देख सकता था. वैसे ही अगर कोई यूनाइटेड एयरलाइंस है तो वो सिर्फ अपनी ही सीट्स देख सकता था, दूसरों की नहीं देख सकता था. बट उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है कनेक्टिंग फ्लाइट्स में, कि अगर एक फ्लाइट दूसरी फ्लाइट से कनेक्ट करनी है, मतलब आपको पहली फ्लाइट यूनाइटेड की लेनी है और दूसरी फ्लाइट आपको चाहिए एयर इंडिया की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी फ्लाइट्स यूनाइटेड की जो है आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी. मान लो आपको शिकागो से फ्लाइट लेनी है और अहमदाबाद आना है, तो शिकागो से दिल्ली तो आपको यूनाइटेड पहुंचा देगी, लेकिन दिल्ली से अहमदाबाद जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक फ्लाइट चाहिए दूसरी, तो उसमें आपको एयर इंडिया लेनी पड़ेगी. लेकिन अगर हम ARS की बात करें, जो पहले था एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, उसके अंदर आप नहीं देख सकते थे किसी और एयरलाइन की सीट. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया CRS, मतलब तब भी GDS नहीं आया था, तब भी CRS आया था. CRS जो है वो कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम या सेंट्रलाइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम, उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं ना. उसमें क्या होता था कि आप बाकी सारी एयरलाइंस की भी रिजर्वेशन देख सकते हो, मतलब आप देख सकते हो अगर आप यूनाइटेड की सीट बुक कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि एयर इंडिया की फ्लाइट जो नेक्स्ट है वो कितने बजे निकल रही है. तो आप कनेक्शन बना सकते हो. कनेक्टिंग कैसे बनाते हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट्स कैसे बनती है, वो आप AMDS के सेशन में चेक कर सकते हो. नाउ इसके बाद भी, CRS के बाद भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि अब आप फ्लाइट्स तो बुक कर रहे हो, लेकिन अगर आपको होटल बुक करना है, कार बुक करनी है और कुछ बुक करना है, तो आप वो नहीं कर पाओगे. उसके लिए आता है GDS. बेसिकली GDS इज ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पर आपके पास ये जो आपके सामने स्क्रीन पे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे Abacus है, WorldSpan है, सेवर, गलीलियो, AMDS, ये सारे के सारे GDS हैं. इसके अंदर आप सिर्फ एयरलाइन की फ्लाइट्स नहीं देख सकते, वो तो आप देख ही सकते हो किसी भी एयरलाइन की, साथ साथ आप होटल्स भी बुक कर सकते हो, आप कार रेंटल भी बुक कर सकते हो, आप मतलब यू हैव मोर एक्सेस टू थिंग्स. तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेसिकली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया था कि हम बहुत सारी और चीज़ें भी कर सकते हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी बुक कर सकते हैं थ्रू वन सॉफ्टवेयर. सो पहले ARS था, फिर CRS था, और उसके बाद हमारे पास GDS आया.
राइट. सो नेक्स्ट टाइम इफ एनीबडी आस्क यू दिस क्वेश्चन इन इंटरव्यू, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कितने बाद में आया और उसकी जरूरत क्या पड़ी थी. दूसरी चीज है ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस एरियाज. नाउ इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो करी है, तीन वीडियोस हैं इससे पहले वाले, तो आप उनको देख सकते हो. उसमें टीसी एरिया 1, 2 और 3 तीनों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, सो यू कैन गो थ्रू दैट. बट इसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछ लूंगा कि अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आप मुझे ये बताइए कि दुबई जो है, जो UAE में पड़ता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पड़ता है, ये कौन से वाले टीसी एरिया के अंडर आता है. मतलब टीसी एरिया 1 में आता है, 2 में आता है या 3 में आता है, आप ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, चेक इन. चेक इन एक ऐसा वर्ड है जो यू नो बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं. चाहे आप यू नो मेट्रो में जाते हैं तो आप बोलते हैं कि आप मैंने चेक इन कर लिया यहाँ से, इस मेट्रो स्टेशन से, या फिर आप किसी भी रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो वहां बैठे बैठे फेसबुक पे चेक इन कर लिया. बेसिकली चेक इन का मतलब है कि आप उस जगह पर हो, राइट. ऑल्दो यू नो आई हैव अ फ्रेंड जो अपने घर बैठे बैठे गुड़गांव के अंदर और वो चेक इन डाल देता है कनाडा का, तो ऐसे भी लोग हैं. लेकिन ये वाला चेक इन जो है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, ये है एयरलाइंस का चेक इन. इसका मतलब ये है कि आप जो है आप फ्लाइट के अंदर आ चुके हैं, मतलब आप एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं और आप फ्लाइट लेने वाले हैं, कंफर्मेशन होता है ये. अलग अलग तरह का चेक इन होता है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये होते क्या है. देखो बेसिकली चार तरह के चेक इन होते हैं. चेक इन जैसे मैंने आपको बताया कि आप बता रहे हो कि आप ये फ्लाइट ले रहे हो, दिस इज कन्फर्म्ड दैट यू आर टेकिंग दिस फ्लाइट, और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है. जैसे आप चेक इन करते हो आपको बोर्डिंग पास मिलता है. बोर्डिंग पास का मतलब क्या होता है कि वो पास लेकर के आप फ्लाइट के अंदर जा सकते हो, उसके बिना आप बोर्ड नहीं कर सकते फ्लाइट, बैठ नहीं सकते फ्लाइट के अंदर. नाउ टाइप्स ऑफ चेक इन, चार तरह के चेक इन होते हैं. सबसे पहला जो है वो है काउंटर चेक इन. नाउ इफ यू सी काउंटर चेक इन वो है, ये मतलब ये बहुत पुराना तरह का चेक इन है. मतलब जब यू नो जब मोबाइल्स वगैरह इतने नहीं थे, इंटरनेट इतना यूज नहीं होता था, तब काउंटर चेक इन ही एक चेक इन था. आप इसको ऐसे समझो जैसे आप कोई यू नो आप एयरपोर्ट पे गए हो, आपके पास टिकट है, आप वो टिकट लेकर के काउंटर पे चले गए और आपने बोला कि मेरा चेक इन कर दीजिए प्लीज, तो वो आपको वहां बैठे बैठे आपकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अपना GDS यूज करेंगे और आपको उस टिकट के बदले में एक बोर्डिंग पास दे देंगे. बेसिकली आपने क्या किया, आपने एयरपोर्ट आपको जाना पड़ा और वहां पर आप चेक इन करवा रहे हैं. इस प्रोसेस में टाइम ज्यादा लग सकता है. मतलब अगर आप एयरपोर्ट पहुंचो, वहां पर लाइन में खड़े हो, फिर वहां लाइन में खड़े होने के बाद आप चेक इन करवा रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि अगर वो लाइन बहुत बड़ी हो तो आप अपनी फ्लाइट मिस कर सकते हो, बिकॉज वहां पर जो लाइन होगी वो एक एयरलाइन के लिए लगी है, वो कोई स्पेसिफिक फ्लाइट के लिए नहीं लगी हुई कि इस फ्लाइट के लिए ये लाइन है, नहीं, वो एक एयरलाइन के लिए वो लाइन लगी हुई है. हो सकता है किसी की फ्लाइट 4 घंटे बाद की है, वो भी उसी लाइन में खड़ा हुआ है, और आपकी फ्लाइट 1 घंटे के अंदर है, वो भी उसी लाइन में लगा हुआ है. तो काउंटर चेक इन जो है ये पुराना है बहुत, लेकिन ये यू नो पीपल डू नॉट प्रेफर इट नाउ, वो इतना प्रेफर करते नहीं है अभी, क्योंकि इसके बदले में जो अब आ गया है वो है यू नो ऑनलाइन चेक इन, जो बहुत ज्यादा यूज होता है. अगर मैं आपको दिखाऊं ये ऑनलाइन चेक इन है. ऑनलाइन चेक इन में क्या होता है कि आप यू नो घर बैठे बैठे वेबसाइट पे जाकर के एयरलाइन की या उसकी ऐप में जाकर के आप चेक इन कर सकते हो. जैसे कि अगर आप इंडिगो की फ्लाइट लेते हो या आप किसी भी एयरलाइन की फ्लाइट लेते हो, तो आप क्या करोगे, आपने फ्लाइट बुक करी. अब कुछ एयरलाइंस के अंदर होता है कि फ्लाइट के सिर्फ 24 आवर्स पहले ही वो ये खोलते हैं, मतलब फ्लाइट से 4 घंटे पहले वो बंद हो जाता है ऑनलाइन चेक इन, और 24 घंटे पहले वो खुलता है. कुछ एयरलाइंस में वो खुला ही रहता है, 7 दिन 14 दिन पहले खुल जाता है. कुछ एयरलाइंस के अंदर जो है वो ऑनलाइन चेक इन कई बार अलाउ नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बट 99% एयरलाइंस के अंदर आजकल ऑनलाइन चेक इन जो है वो अलाउड होता है, और इससे एयरलाइंस का बहुत टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है, क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ नहीं लगती एयरपोर्ट पे. लोग जो है वो घर से ही ऑनलाइन चेक इन करते हैं, और या फिर रास्ते में कभी ऑनलाइन चेक इन कर लेते हैं और फिर सीधा आकर के वो फ्लाइट ले लेते हैं. बेसिकली दिस इज द बेस्ट वे टू चेक इन दीज डेज, आजकल जो लोग चेक इन करते हैं. अब क्यों जरूरी है ऑनलाइन चेक इन करना, वो इसलिए जरूरी है कि आप जो है यू नो यू सेव योर टाइम, एंड
जब आप फ्लाइट में जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो अराउंड 45 मिनट्स पहले जो है वो लोग गेट बंद कर देते हैं, मतलब जो फ्लाइट का बोर्डिंग गेट है वो 45 मिनट्स पहले, कई बार 30 मिनट्स पहले करते हैं अगर डोमेस्टिक फ्लाइट है तो। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो कई बार वो डेढ़ घंटा पहले गेट बंद कर देते हैं। गेट बंद कर देते हैं मतलब आप जो है वहां पर फ्लाइट तक जा ही नहीं पाओगे, वो आपका गेट बंद कर देंगे कि अब बोर्डिंग बंद हो चुकी है। अब आप अगर नीरो आप बोलोगे नहीं यार मेरे पास तो अभी टिकट है और फ्लाइट को उड़ने में है 20-25 मिनट, वो बोलेंगे सॉरी अभी फिलहाल हमने गेट बंद कर दिया तो अब आप जो है वो नहीं उड़ सकते इस फ्लाइट के अंदर। सो अगर आपको वो सिचुएशन अवॉइड करनी है तो आप ऑनलाइन चेक इन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यू नो यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ द एयरलाइन। जनरली मैनेज माय बुकिंग एक ऐसा कॉलम होता है जहां पर जाकर के आप ऑनलाइन चेक इन कर सकते हो। देन यू हैव टेली चेक इन। अब टेली चेक इन आजकल बहुत कम होता है, पहले हुआ करता था। टेली चेक इन में देखो क्या होता था कि आप एयरलाइन को कॉल करते थे, वहाँ का कोई रिप्रेजेंटेटिव कॉल उठाता था और आप उसको बोलते थे कि आई वॉन्ट टू चेक इन एंड आप सारी इन्फॉर्मेशन दे देते थे एंड देन दैट्स ऑल, बेसिकली वहाँ से चेक इन हो जाता था और आप यू नो व्हेन यू गो टू द एयरपोर्ट आपका वहाँ पर स्टेटस आता था कि आप चेक इन हो चुके हो। और फिर आता है कियोस्क। कियोस्क को अगर आप समझेंगे तो वो इस तरीके से है कि अगर आपकी सिटी के अंदर मेट्रो है तो क्या होता है ना वहाँ पर कुछ या फिर कुछ कोई और ट्रेन है या फिर अगर आप हाँ मूवी देखने जाते हैं, तो अगर आप मूवी देखने जाते हो तो वहाँ देखोगे कि वहाँ पर एक मशीन होती है, वेंडिंग मशीन टाइप होती है कि वहाँ जा करके आप खुद ही जो है अपनी टिकट निकाल सकते हो। अगर आपने बुक माई शो से बुक किया है तो आप वहाँ जाते हो, उस मशीन पे अपनी नंबर डालते हो और उसके बदले में आपको एक रिसीट दे देता है या एक टिकट निकाल के दे देता है, फिजिकल टिकट। सेम हैपन्स व्हेन यू गो टू मेट्रो, तो मेट्रो में जाकर के आप एक कियोस्क मशीन उसको कहते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर कियोस्क मशीन है, यहाँ पर जाकर के क्या होता है आप वहाँ जाओ अपना कार्ड रिचार्ज कर सकते हो। सेम हैपन्स इन एयरपोर्ट कि एक मशीन लगी हुई है, इससे वो अपनी मैन पावर बचा लेते हैं कि आप वहाँ पहुँचो, वहाँ जैसे ही आप जाओगे अपना उस मशीन को आप ओपन करो, मतलब उस मशीन के अंदर आप इन्फॉर्मेशन डालो और वहाँ से आपका जो है टिकट चेक इन हो जाएगा, जो बेसिकली आपका स्टेटस है वो चेक इन हो जाएगा। चेक इन में आप इन्फॉर्मेशन डालते हो अपने यू नो टेल की कितना बैग आप लेके जा रहे हो, कौन सी सीट आपको चाहिए, अगर आपको मील चाहिए तो कौन सी मील चाहिए, तो बेसिकली आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डाल देते हो कि ये चीज़ें हम चाहिए। सो बेसिकली दिस इज द टाइप्स ऑफ चेक इन दैट वी हैव, जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं इन एट द एयरपोर्ट और आप घर से भी इस चेक इन को कर सकते हो। इसके बाद हमारा इस वीडियो का लास्ट टर्म है अवेलेबिलिटी। नाउ अवेलेबिलिटी जो है एक बहुत ही नॉर्मल सा टर्म है, ये सबसे पहले तो इसको अवेलेबिलिटी नहीं बोलते, इसकी प्रोनंसिएशन जनरली गलत करते हैं हम लोग, तो इसको अवेलेबिलिटी बोला जाता है। ये यूज करते हैं हम ट्रैवल एजेंट्स बहुत ज़्यादा, कि हम बोलते हैं कि भाई ये जो फ्लाइट है इसकी अवेलेबिलिटी इतनी ही है, मतलब अगर आप बहुत ख़तरनाक ट्रैवल एजेंट हो तो आप ऐसे ही बोलोगे हमेशा कि इसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म है। अवेलेबिलिटी मतलब कितना अवेलेबल है, कितनी सीट्स इसके अंदर हैं। और अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री के हो तो आपको पता है कि सीट्स अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं है कि सबके प्राइजेस सेम है। अगर वो एक पॉइंट पर वो ख़त्म हो जाए सीट्स, तो उसके बाद उसका प्राइस बढ़ जाता है, मतलब फ्लाइट में सीट्स रहती हैं लेकिन प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है उसका, नीचे तो होता नहीं है जनरली ऊपर ही होता है। सो बेसिकली अवेलेबिलिटी इज द सीट्स अवेलेबल इन एन एयरक्राफ्ट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया अबाउट ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और उसकी क्या नीड थी। ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस सीरीज का मैंने आपके पास एक क्वेश्चन रखा है कि दुबई जो है UAE वो कौन से TC एरिया के अंदर आता है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चेक इन मैंने आपको बताया चार तरह के होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो एडवांस और रिक्वायर्ड है वो है हमारा ऑनलाइन चेक इन। नाउ एंड द फोर्थ थिंग इज अवेलेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, राइट? सो दीज आर द फोर थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा और टर्म्स के साथ, धीरे धीरे टर्म्स जो हैं वो और ज़्यादा यू नो डिटेल्ड और काफ़ी यू नो ट्रिकी होती रहेंगी। कितनी भी डिफिकल्ट टर्म्स हमने ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर आज तक देखी हैं वो सारी की सारी इसके अंदर होंगी। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया, मतलब आपको इसमें कुछ समझ आया, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड यू शुड डेफिनेटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर हैं, या फिर वो लोग जो ट्रैवल का कोर्स करना तो चाहते हैं लेकिन या तो उनके पास टाइम नहीं है या फिर दे डू नॉट वॉन्ट टू स्पेंड मनी ऑन दिस और वो फंड्स को यहाँ नहीं यूज़ करना चाहते, तो वो इन वीडियोज़ के थ्रू ट्रैवल को इन एंड आउट अच्छी तरीके से सीख सकते हैं।
क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग टाइम जोन्स के बारे में भी करेंगे, वर्ल्ड कैपिटल के बारे में भी करेंगे, सिटी कोड्स, एयरपोर्ट कोड्स, फेनेटिक्स एंड डिफरेंट थिंग्स दैट वी विल बी कवरिंग इन द फ्यूचर वीडियोस. तो आप इसको सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर एंड मोर टर्मिनोलॉजीज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.